छह महीने में अभी भाषण होगा उनका, आप सुनना 22 तारीख को ग्वालियर में क्या भाषण देंगे। मैं अभी से उसकी रूपरेखा आपको बता देता हूं। ग्वालियर की जनता से मेरा खून का रिश्ता है, मेरी पीढ़ियों का, मेरी तमाम पीढ़ियों से मेरा, मेरे परिवार का खून का रिश्ता है। जब ग्वालियर चंबल संभाग के लोग कोरोना से मर रहे थे, 6 महीने तक बाबू सिंधिया प्रसाद को ग्वालियर की जनता की याद नहीं आई। 6 महीने बाद इधर उधर से कुछ इकट्ठे कर लिए होंगे भाड़े के टट्टू, उनको बीजेपी में शामिल करने के लिए 22 तारीख को 6 महीने बाद किस तरह का खून का रिश्ता है, कैसा अटूट रिश्ता है, ये भाषण आप देख लेना 22 को होगा। जनता बताएगी, जनता भी ग्वालियर चंबल संभाग की छान के बैठी कि तारीख तो तय हो चुनावों की, फिर इस रिश्ते को बताएंगे कि रिश्ता असली है कि नकली है। तारीख को अतिथि शिक्षक जा रहे हैं सब ग्वालियर आंदोलन करने, इनका स्वागत करेंगे वहां पे। 6 महीने सरकार को हो गए, 5 महीने अभी तक सड़क पर उतरे नहीं, न एक बार भी शिवराज चौहान से बात की इस व्यक्ति ने कि अतिथि शिक्षकों का निर्णय लीजिए।